वेलकम बैक। आज का सेशन एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू करते हैं। मैं एक डिश में थोड़ा सल्फर पाउडर और थोड़ा सा सोडियम लूंगी। हम सोडियम और सल्फर को देख नहीं सकते। यहाँ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये दो रिएक्टेंट सोडियम और सल्फर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट सोडियम सल्फाइड बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन जहां दो या ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आसान शब्दों में कॉम्बिनेशन तब होता है जब कई सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाता है, इसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हमने अभी देखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम दूसरे तरीके देखते हैं जिनसे सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं। हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है। देखते हैं कि जब ये रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हम वही चीज ऑब्जर्व करते हैं जब आयरन सल्फर के साथ कंबाइन करके फेरस सल्फाइड बनाता है। तो इन केमिकल रिएक्शन से क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि ये रिएक्शन तब होते हैं जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ये एक और तरीका है जिससे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। चलो दूसरा तरीका देखते हैं जिससे कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन पहले से अलग कैसे है? वेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एलिमेंट को कंपाउंड ने रिप्लेस किया है। तो इस कॉम्बिनेशन में एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन करता है। आसान है ना? और किस तरह सब्सटेंसेस कंबाइन कर सकते हैं? वेल, एक और पॉसिबिलिटी है जिनसे दो कंपाउंड कंबाइन करके तीसरा कंपाउंड बनाते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो उस रिएक्शन का क्या जो हमने सेशन की स्टार्टिंग में देखी थी, जिसमें सोडियम और सल्फर का एक दूसरे के साथ रिएक्शन हुआ था? इनमें से वो रिएक्शन किस मोड को बिलोंग करती है? हाँ, बिल्कुल सही। सोडियम और सल्फर दोनों एलिमेंट्स हैं। रिएक्शन फर्स्ट टाइप में आता है जिसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिखने को बोलूं तो कैसे करोगे? रिएक्टेंट्स में एक ए और दूसरा बी रिप्रेजेंट होगा। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्रोडक्ट देता है, राइट? अब अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं तो क्या आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे? हाँ, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मगर इस बार तीन रिएक्टेंट से। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि चाहे जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो, अगर रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब एक दूसरे इंटरेस्टिंग रिएक्शन की ओर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। इसे बैलेंस करते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि आप इस रिएक्शन के आसपास कई बार आए हो और ये रिएक्शन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो वेल, ये और कुछ नहीं बल्कि फोटोसिंथेसिस है, जिसके नाम में ही सिंथेसिस या रिएक्शन है। मगर रुको, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हुआ? अगर ऑब्जर्व करो तो फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट ग्लूकोज है। प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है और एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। ये ग्लूकोज प्लांट बॉडी में स्टोर होता है। असल में फोटोसिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह नहीं होता है, फिर भी इस कैटेगरी में होता है। अगली बार कोई केमिकल रिएक्शन देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये कॉम्बिनेशन है या नहीं। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में हमने आज क्या सीखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो है जिसमें कई सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तीन तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दो कंपाउंड मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इन जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और कोई और ऐसा रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस और दूसरे ऐसे रिएक्शंस जहां मल्टीपल सब्सटेंसेस मिलकर मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख लिए हैं,
क्या कंपाउंड को छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसे भी रिएक्शंस हो सकते हैं? ये सब हम अगले सेशंस में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।